सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना के बारे में, जिसमें जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कोई भूखा ना सोए की संकल्पना को इंदिरा रसोई योजना के जरिए साकार किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक बैठाकर घर जैसा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन केवल 8 रुपए में मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 में की। प्रदेश भर की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के जरिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। कोरोना महामारी के दौरान खाने की समस्या को देखते हुए खास तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई। आपको बता दें कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्तमान में 870 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही हैं, जिन्हें बजट घोषणा 2022-23 में बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। इंदिरा रसोई में लोगों को 2 समय का भोजन केवल 8 रुपए में दिया जाता है। भोजन मेन्यू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार भी दिया जाता है। दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और रात्रि का भोजन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाता है। आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोई संचालकों को प्रति थाली 12 रुपये राजकीय अनुदान दिया जाता था, जिसे 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है। वर्तमान समय में एक समय के भोजन में 25 रुपये का खर्च आता है, जिसमें 17 रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। साथ ही बिजली, पानी, इंटरनेट के बिल सहित अन्य खर्चों के लिए 50,000 रुपये प्रति रसोई अग्रिम दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में ना लाभ ना हानि के आधार पर 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में भामाशाहों द्वारा भोजन थालियों को प्रायोजित करने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोइयों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वयं भी कई बार इंदिरा रसोई में भोजन किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई में भोजन करने आए लोगों को भोजन भी परोसा और लोगों से इस योजना के बारे में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जयपुर में जलमहल के पास संचालित इंदिरा रसोई पहुंचकर सभी व्यवस्थाएं देखी, भोजन करने आए लोगों से बात की और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और पत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ इंदिरा रसोई में खाना भी खाया। इस योजना में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने और बेहतर मॉनिटरिंग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसद, विधायक, मेयर, चेयरमैन और अन्य जनप्रतिनिधियों को इंदिरा रसोई में महीने में कम से कम एक बार भोजन जरूर करना चाहिए। इंदिरा रसोई की मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास चौपासनी हाउसिंग स्थित इंदिरा रसोई पहुंचे। जस्टिस व्यास ने न केवल इंदिरा रसोई केंद्र के प्रभारी से व्यवस्थाओं के और भोजन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जानकारी ली, बल्कि खुद इंदिरा रसोई में रोटियां भी बनाई। वहीं जोधपुर जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता ने भी मंडोर रोड भदवासिया पुलिया के पास स्थित इंदिरा रसोई केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। केंद्र में भोजन निर्माण से लेकर परोसगारी तक की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने भोजन कर पौष्टिकता और गुणवत्ता को परखा, साथ ही वहां भोजन कर रहे लोगों से फीडबैक भी लिया।
सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।